नमस्कार, आज जानते हैं सिद्धार्थ से एल्विश और एल्विश से एल्विश यादव बनने की पूरी गाथा। एल्विश यादव के स्ट्रगल से सफलता और वहां से एक आरोपी बनने की कहानी जानने से पहले आपसे एक प्रश्न है, आप ऐसे कितने उदाहरण बता सकते हैं जिनको रातों रात खूब सफलता मिली और वो इस अर्ली एज सक्सेस को पचाने में फेल हो गए? हमारे सोशल मीडिया पेज पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर लिखें। जब से सोशल मीडिया ने हमारे बीच अपने पैर पसारे हैं, तब से ना जाने कितने ऐसे नाम होंगे। तो ये केस स्टडी उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जानते हैं कि एक दिन वो सफल जरूर होंगे, अपने सपने साकार करेंगे और उस समय के लिए पूरी शिद्दत से दिन रात पैशन के साथ बस लगे हैं। क्योंकि ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये जरूर समझ आ जाएगा कि सफल होने के बाद हमें क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टम हैंग करने वाले से सिस्टम नीड टू अपडेट करने की ये कहानी। सितंबर 1997 को यादव जी के घर में एक पुत्र रतन पैदा हुआ, जिसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स की पढ़ाई की और 2016 में फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए खुद भी अपने नाम को बनाने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर बन गया। रोस्टिंग, फ्लैश वीडियो, शॉर्ट फिल्म, ट्रेंडिंग टॉपिक्स की मौकरी और अपनी मेहनती टीम के साथ सैकड़ों वीडियोस बनाई, हंसाने के लिए गालियां भी दी और मार भी खाई। 2019 में व्लॉग और 22 में गेमिंग वीडियोस का भी चैनल बनाया, कई गानों में काम किया, अपना क्लोदिंग ब्रांड खोला और एनजीओ भी बनाई। मतलब हर तरीके से पूरी मेहनत के साथ जान लगा दी। जिंदगी तो तब रातों रात बदल गई जब 2023 में बिग बॉस OTT सीजन 2 में इस बैड गाय को ब्रेक मिला। नाम तो कमाया लेकिन बैड नाम होने के लिए। मारे प्यारे हरियाणवी बोली में इस बालक ने लठ गाड़ दी। लोगों ने कुछ चीजें नजरअंदाज भी कर दी कि चलिए गेम शो है, चलता है। और यहाँ तक शो में आए तो थे वाइल्ड कार्ड बनके, लेकिन जनता ने विनर तक बना दिया। और मजा तो तब आया जब शो के बाद नाम, दौलत, शोहरत, युवा का तगड़ा ही फैन बेस 50 से 100 गुना हो गया। अपने आप को एल्विश से भाई एल्विश बनाने की इमेज भी साकार हो गई। मोटा ही टोरा भाई जी। और चाहिए ही क्या हमारे जनरेशन जेड को? मतलब कॉमर्स की पढ़ाई हर नजरिए से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन कानून की पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई। अरे एल्विश भाई, क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। महान शक्ति महान जिम्मेदारियों के साथ आती है। शोहरत की चमक दमक में कॉन्ट्रोवर्सीज की झड़ी लग गई। एक रेस्टोरेंट से निकलते वक्त व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिए। यूट्यूबर सागर ठाकुर आका मैक्सटन को दुकान में ही कूट दिए। और यहाँ तक लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले मीडिया पर भी अपना आक्रोश दिखाने में पीछे नहीं रहे, और वो भी खास तब जब अपने मन की शांति के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर जा रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खबरों में रहने के लिए और प्रसिद्ध होने के लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट पर है स्नेक वेनम केस, जिसमें एक क्लब पार्टी में 9 सांप पाए गए थे। पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके बाद पुलिस में रपट लिखवा दी थी, जिसके बाद एल्विश यादव के साथ 4 सपेरे और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। कार्यवाही के तहत 18 मार्च 2024 को माननीय गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने यादव जी के बेटे को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लीगल अपडेट की बात करें तो NDPS और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चार्जेस लगे हैं। और गौतम बुद्ध के नाम से एक बात और याद आई, एक सिद्धार्थ वो थे जिन्होंने पूरे भौतिक जगत का त्याग करके महात्मा बुद्ध बन गए और एक सिद्धार्थ एल्विश बन गए। देखिए
अभी तक मामला कोर्ट में है और हम लोगों को आरोपी को ही गुनहगार मान लेने की आदत भी है, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग सही नहीं है। अगर गलती की है तो माननीय अदालत सजा भी देगी, पर हम समाज में किसके साथ उठ बैठ रहे हैं वो चॉइस तो हमारे खुद की है। इसलिए वो बनिए जो आप चाहते हैं, लेकिन वैसा बनिए जो आपके घर परिवार वाले बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे महान देश को आपकी जरूरत है। चलिए हम तो यही कामना करते हैं कि सिस्टम शट डाउन होने से पहले रिस्टार्ट हो जाए और वक्त रहते समझ आ जाए कि इस छोटी सी उम्र में क्या क्या नहीं मिल गया है। बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू लिव अगेन। नमस्कार। मेरे को तो नॉस्टैल्जिया हिट करा दिया भाई तुमने। वेरी बैड फेस ऑफ लाइफ। अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अच्छे वाला, ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपने काम धंधे पे फोकस करते हैं, बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन लाइफ।